कील वाले डंडे यहाँ हमारे। हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये वीडियो कोई आज का वीडियो जो भी है, ये व्लॉग नहीं है, किसी भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो आज खास जरूर है थोड़ी सी। एक्चुअली एक यूट्यूबर है विकास जैक्सन, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटी सी बस्ती से वो बिलोंग करते हैं, और अभी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जयपुर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके घरों पे पूरा बुलडोजर चढ़ा कर रख दिए हैं, पूरे सामानों को फेंक रहे हैं वो, उनका पूरी फैमिलीज उनकी रोड पे आ गई है। लिटरली वो एक फैमिली नहीं, 200 फैमिलीज रोड पे आ चुकी हैं, पूरे बस्ती को गवर्नमेंट ने तोड़ा है, पता नहीं क्यों। पहले आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आगे क्या है कैसे और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा सब बताते हैं। गाइस, हमारे सबके घर तोड़ दिए, कम से कम 200 फैमिलीज को यहाँ पे घर से बेघर कर दिया। क्या होता है, कौन सी दुनिया आ चुकी है, ये यहाँ डंडे हमारे, ये यहाँ से उतार दिया सारा, ये ढकनी उतार दी, यहाँ पर कील वाले डंडे यहाँ हमारे, यहाँ डंडे हमारे, चप्पल पहनने नहीं दिया, चप्पल पहनने से पहले ही बिल्कुल ऐसे नीले जमा दिए, ये लाल लाल निशान छप गए, बहुत मारा। सामान यहाँ रोड पे पड़ा है, ये बैग, ये देखो सब घर का जितना भी सामान होता है सब पड़ा है, ये मम्मी यहाँ पे बैठी है, ये देखो कूलर, ये सब पड़ा है। गाइस, 15 से 20 लोगों को जेल में पकड़ रखा है नजायज, बिना किसी मतलब, बिना किसी बात के फालतू में पकड़ के बिठा रखा है कि ये लोग कुछ कर ना सके, बेबस हो जाए। हम तो करेंगे भी क्या यार, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, सरकार है, सरकार जैसा करेगी वैसा कर लेंगे, लोग यहाँ बैठे हैं। अब सारी फैमिलीज इकट्ठी तो बैठ नहीं सकती हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, खुद की भी सेफ्टी देखनी है, उनकी भी सेफ्टी देखनी है, अब सब इकट्ठे तो बैठ नहीं सकते, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, अलग अलग होके अलग अलग फैमिली करके बैठे, 200 परिवारों को बेघर कर दिया यहाँ। आज की रात तो यहाँ गुजारेंगे और कल देखेंगे कल कहाँ जाना है।
सामान ले गए, कुछ भी नहीं रहा, मेरा भांडा टिंडा सब कुछ बिस्तरा सब ले गए। मेरे को डंडे डंडे जेंसों ने मारी, मुझे जेंसों ने मारी, तीन स्टार के दो स्टार के पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारी है। इनका पैर तोड़ दिया, हमारे सब छोटा छोटा हमने सामान का नाका बनाया था वो भी ले गए, हमारे किसी के 10-20 हजार 5 हजार रुपए थे वो भी चले गए, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए रोड पे ऐसे बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये खाना आप लोग दे जाते हैं, ये खपत इसी से गुजारा हो रहा, हम कैसे उठाते हैं। हमारे आदमियों को बंद कर दिया, लड़कों को मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया, हमारे ने नहीं हाथ उठाया, पुलिस वाले ने हाथ उठाया, हमारे 10-15 आदमी हॉस्पिटल लेके अभी गए हैं, एक बच्चों के कपड़े भी नहीं रहे, किसी बच्चे को कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, चक्कर नहीं है। ये रात को मैडम आई थी, इसी ने ये सब कुछ किया है, ये हमारे सोने की से सब ये बंदोबस्त किया है, ये टेंट लगा के रात को एक मैडम आई थी। 20 साल से हम इधर रह रहे हैं, 20 साल हो गए हैं अच्छी बस्ती। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अप्रोक्स 400 पुलिस वाले आते हैं, 200 मेल ऑफिसर्स, 200 फीमेल ऑफिसर्स, बस्ती के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उन सबको अरेस्ट करते हैं पहले वो लोग, फिर वहाँ के लोगों को जितने यंगर लड़के थे उन सबको बहुत मारा है, उन लोगों ने हाथ पैर तक तोड़ दिए मार मार के। और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि पर्सनली मैं उनका वीडियोज़ बहुत देखता हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद भी है उनका वीडियोज़। तो अचानक से मैं ऐसे कल देख रहा था तो देखा कि उनका बेट है, ये घर वर तोड़ दिया उनका, और एक्चुअली दे नीड आवर हेल्प। हेल्प का इन सेंस ऐसा नहीं है कि हम उनको पैसे से हेल्प कर दें या खाना ही दे दे जाके, क्योंकि सब जयपुर से नहीं है तो पॉसिबल भी नहीं है आई डोंट थिंक। तो हेल्प एक तरीके से नहीं हो सकती, बहुत सारे तरीके हेल्प करने के लिए, उन्होंने भी अपने वीडियो में ये कहा है। तो इस बात को लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही है कि उनकी एक छोटी सी हेल्प कर दूँ मैं, जो कि पता नहीं, क्योंकि पता है आप लोग सोच रहे कितना ही, मतलब हमारे वीडियोस पे ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, बट जो भी आते हैं 800-900 हज़ार जो भी आते हैं उनमें से क्या पता किसी एक ने भी अगर हेल्प कर दी उनकी, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए वर्थ होगा। एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस वीडियो को देख के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करना, हाँ मत करना प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी मत करना, बस शेयर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा इस वीडियो को शेयर करो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक डाल रहा, उन्होंने पूरी ये वीडियो बना के रखी है अपना, उनके साथ क्या हो रहा उनके चैनल पे, आप उनके वीडियो को शेयर करो, जरूरी नहीं कि इस वीडियो को ही शेयर करो, कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए था उनको सबकी तरफ से, तो मुझे लगा कि मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने सोशल मीडियाज़ हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, मुझे लगा कि यूट्यूब बेस्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर मुझे लगा कि मुझे भी अपने व्यूअर्स तक तो पहुँचानी ही चाहिए बात। बस एक छोटा सा हेल्प करने का इंटेंशन है मेरा और कुछ नहीं। अगर आप हो सकता है तो जाओ उनकी वीडियोस को शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ, ऐसा हो रहा है जयपुर में, इनके साथ इतना बुरा हो रहा। ये वीडियो में देख के हो सकते कि उतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, बट एक बार सोच के देखो, अपना घर है उनका, वो जहाँ पे 20-25 सालों से रह रहे हैं, मतलब अपना घर होता है जो भी है, जैसा भी है घर तो घर है उनका, और अचानक से ऐसी आती है पुलिस सबको मारपीट के रोड पे कर दी है, क्या बीत रही उन पर। हालांकि काफ़ी एन जी ओ वाले उनके हेल्प कर भी रहे हैं, फूड वगैरह प्रोवाइड कर भी रहे हैं, और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि जहां सरकार खुद कह रही है घर में रहो, और यहां लोगों से घरें उनकी छीन ली जा रही है, क्या कर सकते हो। और इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, जहां पे आपको पता है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं, मतलब लोगों को लाखों खर्च करने पड़ रहे एक एक दिन में पेशेंट्स के लिए, और जिनकी पूरी कमाई उतनी नहीं होती है, सेविंग्स उतनी नहीं है उनकी, वो कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, और उस सिचुएशन में ऐसा कर रहे हैं वो। जो भी है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, तो इस सिचुएशन के बाद भी इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता था, अभी करना कोई मतलब नहीं था, आई डोंट नो। सो आज का वीडियो बस यही था, मुझे लगा कि छोटी सी हेल्प हो जाए, पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं, बट मेरा जो था मेरी तरफ से करने का मैंने वो किया। तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उनके चैनल का, जाके वीडियो एक बार देख लो उनकी, वो उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से बताया है। और मैं इस वीडियो पर सब्सक्राइब करने के लिए इसने बोलूँगा क्योंकि ये वीडियोस मेरी मेहनत से बिल्कुल नहीं है, ये जितने भी क्लिप्स हैं मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, कुछ भी इसमें मेरी मेहनत नहीं लगी है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, कुछ भी मत करना प्लीज़, नहीं करना है।